हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलकटास किचन। और आज हम बना रहे हैं बादाम का हलवा। बादाम का हलवा बनाने के लिए चाहिए बादाम। ये बादाम, ये 300 ग्राम बादाम है। इसको फुला करके 4 घंटा, इसको फुला 4 से 5 घंटा फुला करके और इसको मिक्सर में पीस लिए हैं दूध के साथ। थोड़ा सा दूध दूध के साथ, मतलब जितना लगता गया उतना दूध डालते गए इसमें। और एकदम पतला नहीं करना है, नहीं तो फिर उसको यहाँ सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये जितना बादाम है उससे थोड़ा सा कम शुगर, चीनी, ये थोड़ा सा देसी घी, और ये केसर है। इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। नहीं डालना है डालिए, नहीं भी डालिएगा तो कोई बात नहीं। इससे सबसे पहले घी डालेंगे। और ये लोहे की कढ़ाई में ही बनेगा, ये नॉन स्टिक में नहीं बनेगा। और इसको एकदम अच्छे से चलाते रहना है। और चलाने के लिए ऐसे चम्मच लेना है, ये फ्लैट वाला, तब इसे आराम से चल पाएगा। देखिए ऐसे पूरा। ऐसे इसको भूनते रहना है, थोड़ा सा कलर जब तक चेंज हो जाए और ये पूरा कढ़ाई छोड़ दे, तब तक हमको इसको भूनते रहना है। उसके बाद शुगर इसमें ऐड होगा। देखिए ये भुन गया अच्छे से। अब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। अब चीनी डालेंगे, फिर थोड़ा सा ये पतला होगा। अभी चीनी मेल्ट होगा। अब ये जब चीनी पूरा ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में ये केसर वाला दूध डाल के फिर थोड़ा देर भून के फिर उतार लेंगे। और इसको ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉनस्टिक मत बनाइएगा, नॉनस्टिक कढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखिए, और ऐसा चम्मच लीजिएगा ताकि ऐसे से चला सके इसमें। देखिए कितना इसमें स्ट्रेंथ लग रहा है ये हलवा बनाने में। कोई किसी भी हलवा में स्ट्रेंथ बहुत लगता है, तो इसमें भी बहुत लगेगा। तो बनाते रहिएगा, ठंड के मौसम के हिसाब से ये हलवा बहुत बेहतरीन है, बादाम का हलवा। तो ऑलमोस्ट इट इज़ डन। अगर और थोड़ा सा मतलब ड्राई करना चाहें, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर ड्राई, तो उसको ड्राई कर लीजिए। और अगर ऐसे थोड़ा सा पतला लिक्विड वाला चाहिए तो फिर ऐसे ही रहने दीजिएगा, मगर थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको थोड़ा सा और अभी सुखाएंगे, उसमें 5 मिनट और लगेगा। देखिए देखिए ये पहचान है ये बादाम का हलवा बनने का। क्या आप इसको ऐसे करेंगे, यूं करके ऐसे करेंगे, देखिए ये थिक हो गया। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बादाम का हलवा रेडी हो गया है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए।